800 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब दीन इस्लाम की तबलीग के तीन तरीकों तदरीस तकरीर तसनीफ में सबसे अहम तरीका तसनीफ का है, जिसमें शब और रोज़ की मेहनतें सर्फ करने के बाद हज़ारों सफ़ात को मुताले में लाकर चंद सफ़ात को मुरतब करने की सआदत मिला करती है। हमारे असलाफ़ ने जहाँ तदरीस और तकरीर के मैदान को खाली न छोड़ा, तो इसी तरह तसनीफ के मैदान में हमारे अकाबिर दीन के किसी गोशे से पीछे न रुके। मशहूर ज़माना मुसन्निफ अल्लामा इब्ने जूसी के बारे में जिक्र मिलता है कि अल्लाह के इस एक बंदे ने 80 फ़नून के बारे में किताबें लिखी हैं और इनकी एक किताब 800 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उलमा फरमाते हैं ये किताब दुनिया में लिखी जाने वाली किताबों में सबसे बड़ी किताब है। हवाला अल मुनज़्ज़म लाबिन जूसी, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 92। तारीख की किताबों में लिखा है कि इब्ने जूसी के विसाल के बाद जब गुस्लों के लिए पानी गर्म किया गया, तो पानी गर्म करने के लिए वो तराशा यानी वो चीज़ जो किसी कलम वगैरह को छीलने के बाद निकले, काफ़ी हो गया था, जो सिर्फ वो आपके अहादीस लिखते हुए कलम के तराशने में जमा हो गया था। अल्लाह पाक इन अकाबिर दीन का सदका हमें भी अता फरमाए, आमीन। इल्तिजा, अपने वक्त का दुरुस्त तो इस्तेमाल करने के लिए बुज़ुर्गों की सीरत और सवाने हयात को अपने मुताले में लाएं। इंशाअल्लाह इससे मुताले की तरफ जहन बनेगा। किताबुल फ़नून के नाम से इब्ने जूसी ने यह किताब तसनीफ़ फरमाई। सन 1970 में बैरूत से छप चुकी है।